नमस्कार, मैं मानस मिश्रा, इन्वेस्टेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से कल किसान यूनियन के नाम पर, किसानों के नाम पर वहां पर गुंडागर्दी हुई थी और राकेश टिकैत ने फिर से गुंडागर्दी करते हुए धमकी तक डाला था योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसको लेकर के आज योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। 200 से ज्यादा, जहां साहब आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, 200 से ज्यादा और टिकैत गैंग जो है उनकी ठुकाई का आज वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि कल उनकी बारी थी और उस एक्शन का रिएक्शन योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से देना जानते हैं, आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं वो एक्सक्लूसिव वीडियो। आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आ गया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। शुरुआत करूंगा आज क्या हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर पर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नए कृषि बिल का विरोध कर रहे तथा कथित किसान आंदोलनकारी के बीच जो झड़प हुई थी उसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए थे। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के 200 तथा कथित किसानों को, कार्यकर्ताओं को पर FIR दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने FIR दर्ज करते ही बीजेपी नेता अमित मालिक भी एक शिकायत दर्ज कराई थी, उसको बिहार पर उन्होंने किया है। जिनके स्वागत के दौरान आपको बताऊं ये सारा कुछ हंगामा हुआ था। वाल्मीकि ने गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस स्टेशन पर शिकायत ये दी थी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धारा 147, 148, 223, 352, 427 और 506 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि ये उनके स्वागत समारोह के दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं किसान संगठनों ने इस मामले पर केंद्र सरकार और कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीने से चल रहे उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की भी भाजपा और की पूरी तरह से साजिश बताई। मैं आपको बता दूंगा अभी ये किसान यूनियन अब भाजपा के साथ साथ अब आरएसएस सब चीजों को करके बदनाम कर रही है। अब आरएसएस को यहाँ पर घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर ये चुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर राकेश टिकैत ने करने का प्रयास किया। उस बीच अगर बात करें प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक हंगामा उस समय हुआ जब वहां पर फ्लाईओवर पे जुलूस निकल रहा था और उस दौरान केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी जो है किसान जो धरने पर बैठे हुए थे वो आकर के उनके बीच हंगामा शुरू कर दिया। जो बीजेपी का जुलूस निकल रहा था इस पर दोनों पक्षों में आपस में कहा सुनी हुई, उसके बाद किसान यूनियन के लोगों ने वहां पर पत्थर और हथियारों से उन धारदार हथियारों पर उनकर हमला कर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि कल दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए थे और दोनों पक्षों के बीच जो लाठी डंडे जिस वजह से जो लोग जख्मी हुए थे सोशल मीडिया पर भी उसको लेकर तस्वीरें सामने आई थी, जिससे कथित रूप से कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हुए साफ तौर पर वहां पर दिखाई पड़ रहे थे किसान यूनियन के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के तथा कथित किसान जो अपने आप को देख कह रहे हैं 7 साल से वो अपने खेतों में उन्हें जाने का समय नहीं मिला और खेती किसानी उनकी बहुत अच्छी चल रही है। आपको बता दूं इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने दावा किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को ने जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारी को सूचित किया था कि वे कार्यकर्ताओं को हटाए क्योंकि स्वागत रैली के नाम पर वहां हंगामा कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें बाजवा ने यह भी कहा कि उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और एक साजिश के तहत खुद अपने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन तस्वीरें और वीडियो जो साफ तौर पर दिख रहे हैं जो तथाकथित किसान हैं जो डंडा लेकर और हथियार लेकर के गाड़ियों को तोड़ फोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया भी उस चीज को देख चुका है। और यहाँ पर धमकी भरा बयान राकेश टिकैत का भी आया था सरकार की ये सब। इसके अलावा इस पर आरोप लगाते हुए किसान यूनियन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ साजिश के तहत हुआ है और इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा चुके हैं और इस साजिशन इसको खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा बाजवा ने यह भी कहा कि हम बुधवार की घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम उसके हिसाब से भविष्य में अपनी रणनीतिक योजना बनाएंगे। बाजवा ने यह भी कहा हम भाजपा द्वारा किए गए हंगामे की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हथकंडे काम नहीं आएंगे क्योंकि किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन पिछले 7 महीनों से चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। अब हमें ये समझ नहीं आता कि शांतिपूर्ण आंदोलन अगर 7 महीने से जारी था तो लाल किले पर कौन सा शांतिपूर्ण आंदोलन था जहां पर
तिरंगा हटा करके खास धर्म का झंडा लगा दिया था, ये शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसमें कितने पुलिस वाले घायल हुए थे, कितने लोग क्या कुछ हुआ था ये सभी जानते हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन बता रहे हैं किसान, और हमेशा गुंडों की तरह धमकी देते हैं राकेश टिकैत, और इसे कहा जाता है कि ये शांतिपूर्ण बयान है। इन सबके बीच गाजीपुर बॉर्डर प्रशासन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि दल में लोग झंडे फहरा रहे थे और भाजपा कार्यकर्ता अभद्र भाषा का प्रयोग करके किसानों से भिड़ गए थे। तो ये कल की घटना थी, उस बीच आज की जो घटना उस सबको लेकर के कार्यवाही हुई है, और इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उनका बयान भी आया है। उन्होंने देश के कृषि कानून को लेकर किसान विरोध पे अभी भी जारी है। इस प्रकार से केंद्र सरकार कई बार संगठनों से चर्चा के लिए हम भी भर चुकी है। इस बीच आज ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानून पे किसी भी प्रकार का प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में पत्रकारों को बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए, इसलिए इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। किसान संगठन कोई बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार किसी भी वक्त उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा 3 साल से कृषि वैज्ञानिक का मेहनत का फल है यही कृषि कानून। देश के अधिकांश किसान संगठन इन कृषि कानून के समर्थन में है। हमारी सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों से, लोगों से भी बातचीत करने के लिए पूरी तरह से यहां पर कोशिश की है। किसान सरकार के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनके समझ में कानून नहीं आ रहा है तो सरकार कोई गलती नहीं है। इस बीच वो बता दें कि किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं। किसान संगठन सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने के इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। यानी कि एक तरफ किसान यूनियन को लोग हाथापाई उतर आए हैं, लोग गुंडई कर रहे हैं जैसा साफ दिख रहा है, और बक्कल उतार देंगे जैसे घटिया बयान राकेश टिकैत द्वारा कई बार दिया जा चुका है, मीडिया को कई बार धमकाया जा चुका है। उसके बाद जो भी व्यक्ति उनके पास आता है तो कहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है, और उसको लेकर के वो सीधे तौर पर अब तो 370 को लेकर भी बयान दे चुके हैं कि 370 से किसान परेशान है, पश्चिम बंगाल जा चुके हैं। यानी कि जितना भी मिर्च मसाला चुनावों के लिए चाहिए वो सारा मिर्च मसाला राकेश टिकैत के पास है, और जो भी जाए वो अपने हिसाब से उनसे अपना पार्टी का प्रचार के लिए उनको पैसे दे, और वो किसान यूनियन को लेकर के धरने पर बैठ जाएंगे। आज के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सारा कुछ जारी है। उन्हें पता है कि अगले साल चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये सारा कुल चल रहा है, लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। योगी आदित्यनाथ ने, पुलिस ने 200 लोगों की FIR दर्ज की है, और खबर ये भी आ रही सूत्रों के हवाले से कि इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी और वो सारे लोग चिन्हित किए जाएंगे, क्योंकि वीडियो के जरिए बहुत सारे लोग के सकल चेहरे भी दिखाए जा रहे हैं और पता चलेगा कि कौन बीजेपी के कार्यकर्ता थे और कौन भारतीय किसान यूनियन के। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे उन्हीं न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।